चलिए अब जो है हम लोग जो है जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने टाइम से रिलेटेड किए हैं दो इवेंट्स के लिए वो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक को आगे की तरफ लेके जाते हैं। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशंस जो भी किए हैं, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस, इन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग बोला करते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजिशन। किसके लिए बोलते हैं भाई? लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजिशन, ठीक है ना। अब हम लोग करने जा रहे हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी, कि भाई वेलोसिटी के लिए लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे। एक फ्रेम की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे फ्रेम में वेलोसिटी पूछी है, इस फ्रेम से इसकी पूछी है, तो वहां पे फिर आपको पोजीशन की ना लगा के हमें लगानी पड़ेगी वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट या टाइम डिस्टेंस के जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से वो आपने किए हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये फॉर्मूले बना रखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, ऐसे ही अपने को लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी क्या करने पड़ेंगे, ड्राइव करने पड़ेंगे। तो देखो कितने आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी जब भी आएगी, जब आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंजमेंट आएगा टाइम के साथ में, तो मुझे क्या लेना है, जो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओनली फॉर टू इवेंट्स, यानी जब दो इवेंट्स यानी दो फ्रेम के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स के फ्रेम के अंदर, ठीक है ना, या फिर दो इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं उनके लिए मुझे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो देखिए वहां पे मैंने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स, तो वहां पे रिपीट करता हूं इसको, डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस का वी डी टी इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू डी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई, डी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड, एंड डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी माइनस वी डी टी वी डी एक्स अपॉन कितना आएगा सी स्क्वायर इंटू कितना आएगा बताओ, गामा आएगा, ठीक है ना। ये आपको वैल्यूज आपको पता है, दोबारा से मैंने वहां पे वैल्यूज उतार के यहाँ पे लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो आपको पता है कि अगर आपको वेलोसिटी चाहिए डी वी एक्स डैश, देखिए वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको तीनों अलग अलग डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी एक्स में निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी वाई में निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी आपको जेड में निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुझे अगर वेलोसिटी एक्स में चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा, डी एक्स डैश अपॉन में क्या आएगा, डी टी डैश आएगा। देखिए मुझे वेलोसिटी प्राइम वाली चाहिए, कौन सी चाहिए, प्राइम वाली वेलोसिटी, वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्राइम अपॉन में डी टी प्राइम, यही तो होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको अगर मैं इक्वेशन नंबर फोर से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फोर से डिवाइड कर दूं, तो आपका यही वाला रिजल्ट मिल जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन में डी टी डैश, तो डिवाइड कर दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे आएगा डी एक्स माइनस वी डी टी इंटू गामा अपॉन में आएगा डी टी माइनस का वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर इंटू में आएगा गामा, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, गामा से गामा कैंसिल हो गया, गामा की छुट्टी हो गई, गामा खत्म, ठीक है ना, गामा मर गया। चलो अब क्या बचा हमारे पास में, डी एक्स माइनस वी डी टी और डी टी माइनस का वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों को मैं dt से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ सेपरेटली। तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन में dt माइनस का v dt अपॉन में dt अपॉन में dt अपॉन में dt माइनस में v dx अपॉन में dt c स्क्वायर, ठीक है ना। गामा से तो गामा कैंसिल हो गया था, यहाँ पे मैंने dt से डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी। अब बताइए क्या होगा, ये आपका हो गया dx अपॉन dt कितना होता है बताओ, v होता है। अगर dx डैश अपॉन dt डैश होता तो vx डैश होता है ना, मुझे मिला है dx अपॉन dt तो v हो गया, माइनस का v, यहाँ पे dt अपॉन dt कितना है, जीरो हो गया। अच्छा ये dx अपॉन dt है तो मैं इसको vx कह दूं, dx अपॉन dt है तो मैं vx कह दूं, dx प्राइम अपॉन dt प्राइम है तो मैं vx प्राइम कह रहा था। यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन आपको होगा, यहाँ पे दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी vx है, एक वेलोसिटी v है, v बताओ कौन सी वेलोसिटी है, v इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम, वो वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम रहेगी। dt से dt कैंसिल, वन बचा, अपॉन में क्या आ गया, dt से dt कैंसिल, वन बच गया, माइनस का यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt क्या होता है, v vx अपॉन में c स्क्वायर। क्लियर क्या बात है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्रेम है v और dx अपॉन dt आपका vx होता है, तो v vx अपॉन में c स्क्वायर आएगा। ये आ गया आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको तीन अलग अलग करने पड़ेंगे, x का अलग करना पड़ेगा, y का अलग करना पड़ेगा, z का अलग करना पड़ेगा, टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के यहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, तीन होंगे, x का, y का और z का, ठीक है ना। तो मैंने x का निकाल लिया है, सिमिलरली जो है हमें y का और z का भी निकालना है। देखो
मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, वी वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई प्राइम अपॉन में डी टी प्राइम। इस बार मुझे क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करना है। आपको दिख रहा होगा इक्वेशन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दूं डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, तो आपको वी वाई डैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया, डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा आपका डी वाई अपॉन में डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन में सी स्क्वेयर इन टू गामा। अब इस बार दिक्कत क्या आ गई, गामा जो है कैंसिल नहीं होगा, इस बार गामा नहीं मरेगा, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है भैया। गामा कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वाई वाला जो है उसमें गामा नहीं था, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखी थी ये एक्स एक्सिस के लिए लिखी थी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी वेलोसिटी वाली एक्स के लिए ही आएंगी, वाई के लिए जेड के लिए नहीं आएंगी। वाई जेड के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अलग से करनी पड़ेंगी, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो जनरली हम लोग x वाले फ्रेम को ही हम लोग मूविंग फ्रेम x एक्सिस में मानते हैं। बिल्कुल बढ़िया। चलो अब देखिए क्या करना है, वही काम करना है, दोनों साइड में dt से डिवाइड करना है, तो dt से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे कर रहा हूं dy upon dt अपॉन में डी टी अपॉन में डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन में डी टी सी स्क्वेयर इन टू गामा। गामा के बारे में बताओ क्या, गामा क्या होता है, वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का अंडर द रूट। जब मैं इसको लिखूंगा वन अपॉन में वन माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का रूट, वो ऊपर चला जाएगा, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, वन ओवर वन माइनस का वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का रूट, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब बताइए डी वाई अपॉन डी टी क्या होना चाहिए, वी वाई प्राइम या वी वाई, वी वाई होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, तो यहाँ पे आएगा वी वाई, और साथ में कौन है बताओ, वन माइनस का वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। यहाँ पे जो वी गिवन है वो वेलोसिटी ऑफ फ्रेम होता है, मूविंग फ्रेम, ये वी एक्स वी वाई वी जेड नहीं है। अपॉन में आपका आएगा डी टी बाई डी टी वन होता है, माइनस का वी वी एक्स अपॉन में सी स्क्वेयर। बड़ी काम की बात यहाँ पे ये है कि जो एक्स वाली वेलोसिटी थी उसमें भी वी वी एक्स आया हुआ था, नीचे इसमें भी वेलोसिटी वी वी एक्स ही आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, फ्रेम आपके एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो सभी में एक्स ही आएगा। अगर वाई में मूव कर रहे होते तो सभी में क्या आता, वाई आता। बिल्कुल बढ़िया, ये वाला आ गया y का ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली मैं बिना किसी सोल्व किए हुए मैं सीधा z का ट्रांसफॉर्मेशन लिखकर दिखाता हूँ, वी जेड प्राइम इज इक्वल टू कितना आएगा, वी जेड वन माइनस का वी स्क्वेयर वाई सी स्क्वेयर का रूट अपॉन में कितना आएगा, वन माइनस वी वी एक्स अपॉन में सी स्क्वेयर। बोलो क्यों, क्योंकि इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर से डिवाइड ही तो करना है, लेकिन इस बार फिर से आपका गामा नहीं है, एक गामा नीचे बचेगा टी वाला, वो गामा ऊपर चला जाएगा, वी जेड आपका इसकी जगह आ जाएगा, वी एक्स वी वाई वी जेड आएंगे, वन माइनस का वी वी एक्स, मैंने कहा था कि एक्स में जा रहे हो तो यहाँ पे वी वी एक्स ही होगा अपॉन सी स्क्वायर। ये होते हैं आपके वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस याद हैं तो आपको एक ही मिनट में आप तुरंत फॉर्मूले बना सकते हो, एक फॉर्मूला बनाया बाकी के तीन फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस को अलग से साइड में लिख रहा हूं ताकि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। मैं इसको मिटा देता हूं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के जो फॉर्मूले हैं वो मैं छोड़ रहा हूं, यहां पे देखिए ये वाले फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, तो मैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले यहाँ पे चिपका दूँ। ये लीजिए पहला जो फॉर्मूला हमारा आया है वो क्या आया बताओ, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्मूले आए हैं वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू, ये वाला है वी एक्स प्राइम का, यहाँ पे आएगा वी एक्स माइनस का वी अपॉन में आएगा वन माइनस का वी वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, यहाँ पे वी वाई प्राइम इज इक्वल टू आएगा वी वाई वन माइनस वी स्क्वेयर वाई सी स्क्वेयर का रूट अपॉन में वन माइनस का वी वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, यानी न्यूमरेटर का डिफरेंस है डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है ना। वी जेड प्राइम इज इक्वल टू वी जेड वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का रूट अपॉन में वन माइनस का वी वी एक्स बाई सी स्क्वेयर। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आ गए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान रहेगा, क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बस एक बार आप टैकल करना सीख जाओ कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है और कैसे उसको क्या करना है सोल्व करना है। तो अब हम लोग जो है एक प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर लेंगे और प्रॉब्लम लेने के बाद में हम लोग इसको समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन क्या होंगे सोल्व होंगे, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं पहले, चलिए भाई देखिए बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम फिर से लेके आए हैं। हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें कर रहे हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए लिखे हैं, ध्यान रखना है। वाई एक्सिस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो वाई एक्सिस में होगा तो फिर ये वाला आपका, अगर कोई बॉडी वाई में जा रही है तो जो वी वाई डैश की जो वैल्यू हो केवल वी वाई के बराबर ही आएगी, वो ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस करते हैं आपको तब समझ में आएगा। देखो एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखे हैं वेलोसिटी के, अगर मैं इनका इन्वर्स निकालना
चाहूं तो क्या करोगे आप, जहां पे माइनस वहां पे प्लस कर दीजिए, जहां पे प्राइम है वहां पे नॉन प्राइम कर दीजिए। कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, वही चीजें जो हम लोगों ने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब भी निकालते हैं तो हम लोगों ने क्या किया था, माइनस टर्म को प्लस किया था और जहां पे प्राइम वाली वैल्यू हो वहां पे नॉन प्राइम वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहां पे अपने को इनवर्स वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ए स्टोन इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। पहली बात तो आपका जो स्टोन है वो ऊपर की तरफ फेंका गया है, मतलब वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स की बातें नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में हम लोगों ने पत्थर को फेंक दिया ऊपर, फ्रॉम ए बस, एक बस जो है उससे हम लोगों ने एक पत्थर को जो है वहां से ऊपर की साइड में क्या करा है, फेंक दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है उस पत्थर की जो स्पीड है वो कितनी रखी है, c by 3, यानी जो स्टोन है वो ऊपर फेंका हमने c by 3 की स्पीड से। ये जो स्पीड है ये y एक्सिस के अलोंग है, x में पत्थर की स्पीड कितनी है, 0 है, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है if bus is moving along x axis, अगर हमारी जो बस है वो x axis में मूव कर रही है with the speed 3c/5, बस की जो स्पीड है वो 3c/5 है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि स्टोन की स्पीड क्या होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखना अपने को इस वाले फ्रेम से, ग्राउंड वाले फ्रेम से अपने को इस पत्थर की स्पीड क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है। मतलब हमें रेस्ट फ्रेम से मूविंग फ्रेम की वैल्यूज निकालनी है, मतलब मुझे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस निकालना है। यहां पे खड़े होके वो वैल्यूज निकालते हैं मूविंग वाली, तो आपको लगाना पड़ता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां से यहां का निकालना हो तो क्या होगा आपका, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेलोसिटी का। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिख देता हूं यहां पे मैं, वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स डैश प्लस में वी अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस का वी वी एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर। पहला हो गया वी वाई इज इक्वल टू वी वाई डैश वी जेड इज इक्वल टू वी जेड डैश। देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, कुछ चेंजमेंट कर दिया है, क्योंकि यहां पे आपकी जो है आपका जो फ्रेम है वो x एक्सिस में जा रहा है, लेकिन पत्थर या बॉडी जो हमने उसको y में करवाया है, तो y के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे उसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपकी जो फ्रेम है वो आपका x में जा रहा है और पत्थर आपका ऊपर की साइड में जा रहा है। इसलिए हम लोग यहां पे ओनली vy इज इक्वल टू vy डैश ही लिखेंगे, vz इज इक्वल टू vz डैश, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं है। चलिए अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। एक बात अपने को ध्यान रखना है, जब भी वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको सेपरेटली एक्स वाई और जेड के तीनों कंपोनेंट वही निकालने होंगे आपको, और तीनों कंपोनेंट निकालने के बाद में हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इन द वेक्टर फॉर्म, और उसका फिर मैग्नीट्यूड भी निकलवा सकता है। चलिए तीनों वैल्यूज अपने को पता पुट कर दीजिए। बताइए सबसे पहले vx निकालना, तो vx डैश कितना होगा बताओ, 0। पत्थर की जो वेलोसिटी है वो x में कितनी है, 0। पत्थर तो हमने ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी 0 हो गई इसकी, तो ये वाली टर्म 0 होगी। प्लस में v क्या है बताओ, v इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। हमने ट्रेन को या बस को क्या मान लिया है, मूविंग फ्रेम मान लिया है। हमारी जो बस है वो कैसी है, मूविंग फ्रेम है, तो उसको s डैश कंसिडर कर लिया है, और उस मूविंग फ्रेम के अंदर जो हम लोगों ने पत्थर को ऊपर फेंका है, और हम लोग रेस्ट फ्रेम की बात कर रहे हैं यहां पे, इस जगह पे रेस्ट फ्रेम के अंदर जो है स्पीड ऑफ स्टोन निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में, रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में। 0 प्लस v कितना बताओ, 3c/5। ये कितना 3c/5 अपॉन में 1 प्लस, देखिए यहां पे माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। मैंने बताया था कि माइनस टर्म प्लस प्लस से रिप्लेस हो जाती है, तो यहां पे प्लस आएगा 1 प्लस। यहां पे बताइए v कितना बताओ, 3c/5 * vx डैश कितना, फिर से 0 अपॉन में कितना c2। vx डैश 0 इसलिए कि भाई स्टोन जो है वो y में जा रहा है, x में नहीं जा रहा है, इसलिए वो 0 आएगी वो टर्म। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे, बताइए सॉल्व करके क्या मिलेगा अपने को, 3c/5 मिलेगा। ये वाली टर्म 0 हो गई, तो हमें कितना मिल गया, 3c/5 मिल गया। तो ये जो वेलोसिटी है आपकी, ये आ गई 3c/5, जो वेलोसिटी अपने x में निकाली है। y की बताइए, vy इज इक्वल टू vy डैश, मतलब y में वही वेलोसिटी आएगी जो उसकी एक्चुअल में है, तो वो कितनी बताओ, c/3। भाई c/3 का मतलब जो आपकी वेलोसिटी y में दे रखी है वो आपकी c/3, तो c/3 ही लिखना है अपने को, ठीक है ना। अगली बात समझ में। उसके बाद में vz बताइए, z के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी, स्टोन की 0। स्टोन z में नहीं जा रहा है, तो स्टोन की वेलोसिटी z फ्रेम में कितनी, z डायरेक्शन में क्या होगी, 0 होगी। y में आपको गिवन है c/3 है, x में आपकी कितनी होगी, फॉर्मूला बताएगा आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें हमने यहां पे 0 पुट कर दिया है, यहां पे 0 पुट कर दिया, तो 3c/5 आएगी। अब कुछ नहीं करना, तीनों वेलोसिटी आ गई भाई, अब निकाल दीजिए। नेट वेलोसिटी क्या आएगी, 3c/5 i कैप प्लस में c/3 j कैप प्लस में 0 k कैप, ठीक है ना। ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट आ गए। z वाला कंपोनेंट 0 हो गया है, x वाला कंपोनेंट c/3 आ गया है, y वाला कंपोनेंट c/3 आ गया है, x वाला कंपोनेंट आपका 3c/5 आ गया है भैया। अब क्या करना है अपने को, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो ये आएगा 3c/5 का स्क्वायर प्लस में c/3 का स्क्वायर अंडर द रूट,
ये आएगा आपका 9c² / 25 प्लस का c² / 9 अंडर द रूट एलसीएम ले लेंगे इसका 525 और 9 का 25 × 9 ही आएगा 81 का c² प्लस में आएगा आपका 25 का c² अंडर द रूट इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पता चल गया आपको कैसे करना है, आपका स्टोन जो है वो आपका वाई डायरेक्शन में जा रहा था तो वाई वाली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी vy = vy′, क्योंकि एक्स में बिल्कुल भी नहीं है, एक्स में जीरो है, तो ये सेम ही आएंगे जो एक्चुअल में है वही, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ऊपर ही जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। जेड में तो वो जा ही नहीं रहा है तो जीरो ले लिया, और एक्स में मैंने वैल्यूज पुट करके निकाली, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही आसान से सिंपल सी प्रॉब्लम गिवन है आपको। ये बोल रहा है कि इफ टू पार्टिकल्स आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर, दो पार्टिकल गिवन है आपको, दोनों पार्टिकल टू पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी अगर एक पार्टिकल जो है मैंने इस तरफ मूव करा दिया तो दूसरे वाला पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, कितनी c/2 है। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी c/2 है तो दूसरे की आप कितनी लोगे, -c/2 लोगे। ऑब्वियसली बात है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है c/2 से, दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, -c/2 होगी। दोनों की स्पीड से हमें पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल p2, यानी पहले वाले की अपने को स्पीड निकालनी है। पहले वाले की जो स्पीड है ये गिवन है, ये ग्राउंड फ्रेम के लिए है, इस वाले के भी ग्राउंड फ्रेम के लिए है, लेकिन अपने को पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले के लिए निकालनी है, मतलब दूसरा फ्रेम खुद जो है मूविंग है, तो दूसरे फ्रेम के लिए पहले वाले की स्पीड निकालनी है। तो क्या करना है, जो फ्रेम मूविंग है उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने s' फ्रेम मान लिया, तो ये वाला फ्रेम s' हो गया, ये फ्रेम जो किधर मूव कर रहा है, इस साइड में मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ये वाला फ्रेम जो इस साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इस वाले की स्पीड चाहिए p1 पार्टिकल की, इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मुझे कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, सिंपल सी बात है, मुझे ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस आपके vx′ = आपका आएगा vx − v / 1 − vx / c². सिमिलरली vy′ कितना आएगा बताओ, 0, और सिमिलरली vz′ बराबर कितना आएगा, 0। बताइए क्यों, पिछले वाले क्वेश्चन में जो पार्टिकल जो था आपका स्टोन वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, y में था, तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो रहा था, z वाला 0 हो रहा था। इस बार आपका जो पार्टिकल है वो आपका x में जा रहा है, तो आपका y और z वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर से बता दूं, ये ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने तीनों लिखे जरूर है, लेकिन ये तीनों अलग अलग उसके लिए है, y के लिए ये वाला लगाओगे, z के लिए ये वाला, x के लिए ये वाला। x में जा रहा है तो फिर ये वाले जो 0 हो जाएंगे, y में जा रहा है तो फिर ये वाला 0 नहीं होगा, z में जा रहा है तो फिर ये वाला 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो y और z में पार्टिकल जा ही नहीं रहे हैं, पार्टिकल तो x में मूव कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस, तो ये दोनों 0 हो गए। इन तीनों को जोड़ के मुझे नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले vx′ निकाल लेते हैं, वैल्यूज पुट करने, vx बताओ कितना है, vx का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बताओ, c/2 गिवन है आपको, कितनी है c/2 गिवन है, माइनस में जो फ्रेम की वेलोसिटी है वो कितनी बताओ, फ्रेम आपका ये वाला है मूविंग वाला फ्रेम s′ की वेलोसिटी कितनी, -c/2 है, ठीक है ना, अपॉन में 1 माइनस, यहाँ पे आएगा c/2, यहाँ पे आएगा -c/2, अपॉन में आपका c² आएगा, ये आएगा माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा c/2 + c/2 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस का c² / 4 c² c² से c² कैंसिल हो गया, c/2 + c/2 कितना होता है बताओ, c होता है, अपॉन में आएगा आपका 5/4, कितना आएगा 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 4c/5, मेरा आंसर कितना आ गया बताओ, 4c/5 आ गया है, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आ गया है पता ही आपको, 0 गिवन है, z एक्सिस के अलोंग कितना, 0 गिवन है, तो नेट वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी बताओ, 4c/5 i कैप प्लस में 0 j कैप प्लस में 0 k कैप। अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछता है वेलोसिटी का, नेट वेलोसिटी का, तो आप निकालोगे 9c² / 5 का रूट, दैट इज इक्वल टू 16c² / 25, दैट इज इक्वल टू 4c/5, वही आएगा जो कंपोनेंट इसका एक्चुअल में है, मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा क्योंकि एक ही कंपोनेंट गिवन है, तो नेट वेलोसिटी आपकी इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, अगली प्रॉब्लम जो है एक ऐसी प्रॉब्लम और लेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके देखते हैं हम लोग यहाँ पे,
टू पार्टिकल्स आर गोइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो पार्टिकल गिवन है आपको, दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों पार्टिकल जो है अपोजिट मूव कर रहे थे, इस बार परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, एक पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस जा रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों की स्पीड जो है सी बाई टू गिवन है। तो देखिए, ये वाला पार्टिकल सी बाई टू से एक्स में जा रहा है, ये वाला पार्टिकल सी बाई टू वाई में जा रहा है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये वाला पार्टिकल जो इसके फ्रेम में ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जो ये वाला पार्टिकल इसका हम लोग फ्रेम मान लेते हैं, मूविंग फ्रेम जो कि c by 2 स्पीड से इधर जा रहा है, s dash फ्रेम कंसीडर कर लिया। एक हमारा रेस्ट फ्रेम होता है, वो आपका s कंसीडर कर लिया हमने। अब बोल रहा है कि हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स y एक्सिस। इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स x एक्सिस। इस वाले पार्टिकल की रिस्पेक्ट में इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है अपने को। मतलब आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको याद है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जो vy डैश आपका जो आएगा, मतलब vy डैश जो इस बार जीरो नहीं होगा, vx डैश अपने को निकालना है। कैसे निकालना, vx माइनस का v अपॉन में वन माइनस का vy x by c स्क्वायर, और यहाँ पे vy डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, vy, और vz डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, vz बराबर जीरो। z का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रहा है, पार्टिकल आपका z में नहीं जा रहा है, तो उसकी जीरो वेलोसिटी हो गई। लेकिन y वाले की वेलोसिटी गिवन है, वो कितनी होगी, c by, तो यही पार्टिकल नीचे की साइड में जाता तो माइनस सी बाई टू ले लेते वाई डैश के लिए। यहाँ पे सी बाई टू से ऊपर जा रहा है, तो वी वाई जीरो नहीं होगा, सी बाई टू होगा। एक्स की निकाल लेते हैं अलग से, वी एक्स डैश और निकालते हैं, बताओ वी एक्स कितना, बताओ वी एक्स आपका जीरो हो जाएगा। पार्टिकल जो वो एक्स में नहीं जा रहा है, पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है, एक्स में तो आपका फ्रेम जा रहा है, फ्रेम की वेलोसिटी है ये, तो पार्टिकल जो वो एक्स में जा रहा है, इसी की वेलोसिटी निकालनी है, वाई वाले की रेस्पेक्ट में इसके निकालनी है। तो पार्टिकल तो हमारा यही है ना, तो पार्टिकल तो एक्स में जा ही नहीं रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो पुट करेंगे। माइनस में वी, वी बताओ कितना है, सी बाई टू, यानी हमारे फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है, सी बाई टू है, अपॉन में वन माइनस का जीरो इंटू सी बाई टू अपॉन में सी स्क्वायर। ऐसा ही केस पहले भी किया था, ये वाली वैल्यू जीरो हो गई है, ये भी जीरो हो गया, तो हमारा आंसर आ गया माइनस सी बाई टू। कितना आ गया बताओ, माइनस सी बाई टू। इसका मतलब हमारे पार्टिकल की स्पीड जो है वो एक्स में माइनस सी बाई टू है, वाई में आपकी प्लस सी बाई टू है, जेड में आपकी जीरो है, तो वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत है क्या। तीनों कंपोनेंट आ गए, माइनस का सी बाई टू आई कैप मानेंगे, प्लस का सी बाई टू जे कैप मानेंगे, प्लस का जीरो करके के कैप मानेंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वाई डायरेक्शन का पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी एक्स के रेस्पेक्ट में पूछी गई, तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर आपको पूछता है इसका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग निकालेंगे आपका सी स्क्वायर बाई फोर प्लस का सी स्क्वायर बाई फोर का रूट, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई टू, दैट इज इक्वल टू सी बाई रूट टू। ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आ गया, सी बाई रूट टू। तो ऐसे हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, जो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेकर आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्या बोलती है कि एन पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद सी बाई टू वेलोसिटी, एक पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी सी बाई टू से मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है। कौन से फ्रेम में वो अभी पता करेंगे। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग सी बाई टू इन ए लिक्विड, इसका मतलब इस बार जो पार्टिकल जो लिक्विड में मूव कर रहा है, ठीक है ना, किसी लिक्विड में मूव कर रहा है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कोई लिक्विड है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और वो लिक्विड जो है खुद मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये लिक्विड जो हमने यहाँ पे मान लिया, ये लिक्विड जो इधर जा रहा है विद स्पीड 0.6c, लिक्विड की जो स्पीड है 0.6c है, ठीक है ना, इसका मतलब x एक्सिस में लिक्विड जा रहा है। तो जो मूविंग फ्रेम होता है उसको हम लोग s डैश फ्रेम मानते हैं, तो मैंने इस लिक्विड को जो मूविंग फ्रेम मान लिया s डैश s प्राइम, इसकी जो वेलोसिटी है 0.6c है, मतलब ये फ्रेम की वेलोसिटी है, जो क्लियर हो गई आपको, v है। अब कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम, जो पार्टिकल जो था वो आपका लिक्विड में मूव कर रहा है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था, कितनी स्पीड से, c बाई टू से, तो ये इस लिक्विड में c बाई टू की स्पीड से मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग। तो पूछ रहा है कि ग्राउंड फ्रेम के अंदर इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, ठीक है ना, इस पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से पूछ रहा है। अब देखो, ग्राउंड फ्रेम से पूछ रहा है उसकी, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी ग्राउंड फ्रेम में पूछता है उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की, तो हम लोग करेंगे इनवर्स वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताओ इनवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्राइम प्लस का वी प्लस हो जाता है इसमें वन प्लस वी वी एक्स अपॉन में सी स्क्वेयर। सिमिलरली आपका वी वाई इज इक्वल टू वी वाई डैश एंड वी जेड इज इक्वल टू वी जेड डैश। देखो, पार्टिकल जो आपका वाई में नहीं जा रहा है, ओनली एक्स में जा रहा है, तो वाई और जेड के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी, तो वो दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, इनको जीरो मान लीजिए। लेकिन हमें एक्स वाला निकालना है, एक्स वाला देखो कैसे निकालना, वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्राइम, बताइए
Vx प्राइम का मतलब है जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो x फ्रेम s डैश फ्रेम में कितनी है। तो आपको पता है कि लिक्विड के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, भाई वेलोसिटी अपॉन में उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी निकालनी वी डैश उस पार्टिकल की किसी लिक्विड के अंदर तो उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, उतना स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, सी बाई टू है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा कितना है 1.5 है, ठीक है ना। तो सी बाई टू इंटू 1.5 प्लस में वेलोसिटी ऑफ फ्रेम कितनी है 0.6 सी है, ठीक है ना। अपॉन में 1 प्लस में वी इंटू वी एक्स, तो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्रेम कितनी है 0.6 इंटू सी है, और वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस ये वाली यहाँ पे आपका प्राइम आएगा। वी एक्स प्राइम कितना बताओ, वी एक्स प्राइम आएगा आपका c by 2 into 1.5, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों तो जीरो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए। आप कैसे करोगे बताओ, यहाँ पे आएगा c, इसके नाम का डेसिमल के नाम का ऊपर जीरो कर देता हूँ, into 10 हो गया आपका, ये हो गया 2 5 10 5 3 15, तो आएगा c by 3 प्लस में आएगा आपका 6 by 10 into c, ठीक है ना। अपॉन में आएगा 1 प्लस में c आपका जो है आपका 1 प्लस का वी वी डैश बाई सी स्क्वेयर, नीचे सी स्क्वेयर और करना है अपने को, यहाँ पे जो है सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपका 30/6, तो 1/5 आ गया, 1/1/5 आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बताओ, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे करता हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा बताओ, 30, ये आएगा 3 की जगह 10 आएगा, 10 सी प्लस में आएगा आपका 3 इंटू 6 18 सी, अपॉन में कितना आएगा 6/5, तो यहाँ पे आएगा 28 सी बाई 30 इंटू 6/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 5 6 30, और यहाँ पे आएगा भाई 28 सी बाई 36 आ गई आपकी वेलोसिटी इसकी। अब टोटल वेलोसिटी कैसे निकालनी बताओ, 28 सी बाई कितना आएगा 36 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप, बाकी वेलोसिटी आपके 0 हो जाएंगे। तो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड पूछता है तो क्या आएगा 28 सी बाई 36 आ जाएगा वापस, ठीक है ना। ये उसकी आ जाएगी वेलोसिटी इन लिक्विड के अंदर, इस ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं देख रहा हूँ तो उस लिक्विड के अंदर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है हमें इतनी लगेगी। क्लियर बात समझ में आई। तो ये जो हम लोग बातें कर रहे थे आज, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहे थे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोगों ने आज बहुत सी प्रॉब्लम करी हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग जो है इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से दोबारा अच्छे से करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले बड़े आसान होते हैं, एक बार आप इसको फॉर्मूले को देख लीजिए, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन जो पोजीशन वाले हैं उनसे ही वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन सा कब लगाना है, इनवर्स कब लगाना है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कब अप्लाई करने हैं, और आपका कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में गिवन है तो कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो इन प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो, बाद में कुछ नहीं होता। अगर अपने को इतना सारा अगर क्वेश्चन को सेटअप करना अगर आपको आ गया तो प्रॉब्लम्स को आगे कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, डाटा आपको बिल्कुल सिंपल क्लियर होते हैं कि भाई आपके आंसर बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एलसीएम वेलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, बहुत आसान डाटा देते हैं ताकि आपका जल्दी से सोल्व हो जाए। मतलब मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ये टैकल करने की प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो ये था आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का, वेलोसिटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग जो है इससे आगे जो है हम लोग वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एंगल वाला ट्रांसफॉर्मेशन और देखेंगे। मतलब जब भी कोई एंगल कोई ऊपर हमने कोई एंगल दे रखा है और वो अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर कितना चेंज आएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन एंगल एक नई चीज हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। भाई लॉरेंट्ज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिला था, क्योंकि हम लोगों को याद है जब हम लोगों ने माइकलसन मॉडल का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था तो बाकी जितने भी नेचर के लॉज थे वो सारे तैयार हो चुके थे, उन लॉज के अंदर प्रॉब्लम ना है इसलिए हम लोगों ने लॉरेंट्ज का ट्रांसफॉर्मेशन बनाया था। गैलीलियो वाले में कुछ चेंज किया था और फिर हमने आपके लॉरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन बनाए थे जो कि आपके मैकेनिकल जितने भी न्यूटोनियन की जो मैकेनिक्स है उसमें अप्लाई हो सकते हैं, और रिलेटिव थ्योरी जो है वो भी आपकी इसी बेस के ऊपर हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी एप्लीकेशन अब आएगी आपकी लॉरेंट्स वाले की, आपकी टाइम डायलेशन आएगा, आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये सब चीजें हम लोग आगे की बातें। और फिर हमको एनर्जी और मोमेंटम का भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये केवल आपका वेलोसिटी और पोजिशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता है, वो आपका वेरिएंट नहीं होता, इनवेरिएंट रहता है, ठीक है ना। तो जो है आगे की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, तब तक
तक के लिए आप सभी का थैंक यू हमारी वीडियोज को देखने के लिए, आप वीडियोज को देख रहे हैं इतना सारा प्यार देने के लिए, और अगली वीडियो जब भी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप हमारे चैनल के अंदर जो बेल आइकन है उसको क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए इस लॉकडाउन का, और थैंक यू।